हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रही हूँ जिससे कि आप अपने घर की नेगेटिविटीज को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। यानी कि आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उन्हें आप अपने घर से हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ से बहुत सी बुरी शक्तियाँ हमारे साथ आ जाती हैं। हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जो जगह नकारात्मकता से भरी होती हैं, हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या है नेगेटिव क्या नहीं है, लेकिन हमें कुछ बेचैनी सी होती है, हमें अच्छा फील नहीं होता। और जब हम घर आते हैं तो वही बुरी शक्तियाँ हमारे साथ हमारे घर में आ जाती हैं और वो हमारे घर में ही रहने लग जाती हैं, जिससे कि हमारे घर की सुख शांति सब चली जाती है। पति पत्नी में झगड़े होने लग जाते हैं, मन मुटाव होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लग जाते हैं, बिना किसी वजह के पैसे खर्च होने लग जाते हैं। और हम कितना भी चाहें पैसे हम बचाने के लिए, लेकिन वो पैसे हम बचा नहीं पाते। तो हम मैं आपको छोटा सा टिप्स बता रही हूँ जिसे आप अपने घर में अगर अपनाएंगे तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, प्यार रहेगा, सब में रिलेशंस संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आपको पैसों की भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक गाय के गोबर का कंडा लीजिए। ये देखिए, मैंने ये कंडा लिया है, इसको मैं ऑलरेडी जला चुकी हूँ। इस कंडे को आप यहाँ पे रख दीजिए इस बर्तन में। और मैंने ये हवन सामग्री ली है। इस हवन सामग्री में मैंने कुछ खास चीज़ें मिलाई हैं, जैसे मैंने इसमें लोभान मिलाया है, इसमें मैंने घी मिलाया है शुद्ध गाय का घी, इसमें मैंने कपूर मिलाया है, इसमें मैंने चंदन पाउडर मिलाया है और इसमें मैंने धूप को भी पीस करके वो भी डाला है। आप चाहें तो इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही शुद्ध सामग्री है, इनमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें मिलाई हुई हैं। इस सामग्री को आप इस कंडे में डाल दीजिए ऐसे करके थोड़ी सी, क्योंकि इससे जो निकलने वाली खुशबू होती है वो इतनी पवित्र होती है, इतनी प्योर होती है कि वो घर की सारी नेगेटिविटीज़ को दूर कर देती हैं। और इसमें आप ऐसे कपूर डाल दीजिए। वैसे मैं ऑलरेडी तो इसमें मैंने कपूर डाला था, फिर भी आप और कपूर डाल दीजिए ऐसे करके थोड़ा कर दीजिए और एक कपूर ऐसे कर लीजिए। अब आप एक कैंडल से ऐसे ले लीजिए ये और इसको ऐसे जला दीजिए, इसको थोड़ी देर जलने दीजिए। इससे जो निकलती है, इससे जो धुआं निकलता है वो इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छा होता है, वो उसकी खुशबू इतनी प्योर होती है, इतनी अच्छी होती है कि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी भी आपके घर से दूर हो जाएगी। तो बहुत ही प्योर है ये, इसका धुआं हमको पूरे घर में देना चाहिए। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप रोज धुआं दिया करिए अपने घर में, ताकि आपके घर में कभी कोई नेगेटिविटीज आ ही ना पाए, और अगर वो होगी भी तो भी चली जाएगी, और अगर वो आना चाहेगी तो भी वो आपके घर के अंदर आ ही नहीं पाएगी। तो पहला काम ये, और अगर आपसे नहीं हो पाता रोज, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इसे हफ्ते में एक बार तो जरूर करिए। थोड़ा ज्यादा टाइम है तो हफ्ते में दो बार करिए, या फिर आप हर रोज करिए। ये देखिए, इससे जो धुआं निकलेगा पूरे घर में आप उसको दीजिए, बहुत प्योर है ये। इसमें जो मैं चीजें मिलाई हूँ, कपूर वैसे भी बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ये देखिए हो रहा है ऐसा। इसमें मैंने चंदन पाउडर भी मिलाया हुआ है, वो भी बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छा माना जाता है वो। और लोभान जो इसमें मिलाया हुआ है मैंने, लोभान की खुशबू तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, उसकी खुशबू से तो वैसे ही घर में कोई नेगेटिविटीज नहीं बचती है। तो देखिए ये पूरा हो चुका है, ये जल चुका है, मैं इसको ऐसा कर दूंगी। इसका पूरा धुआं अब मैं घर में दूंगी, तो आप इसका पूरा धुआं अपने घर में ही दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये आप अपने घर में जरूर अपनाइए, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और पैसों की भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।